यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जहां जींद में आज अजय चौटाला की बैठक होने वाली है, वहीं चंडीगढ़ में अभय चौटाला की बैठक होने वाली है। जी हां, चंडीगढ़ में इनेलो की बैठक होने वाली है। अभय चौटाला के समर्थित विधायक आज ये बैठक करेंगे। चंडीगढ़ के जाट भवन में महत्वपूर्ण आज मीटिंग होगी और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बैठक में शामिल हो जाए। देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि अब अजय चौटाला की अब जो सियासी राहें हैं वो अलग अलग हो गई हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, अब ओपी चौटाला के दोनों बेटों की सियासी राहें अलग अलग हो गई है। आज वो दिन है जब दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। क्या अनुमान जो आज चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है उसको लेकर लगाया जा सकता है? देखिए दीपिका, अब तक तो एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बयानों से ही वार किए जा रहे थे और आज जो जींद और चंडीगढ़ की जो बैठक है दोनों पार्टियों की, अलग अलग दोनों अपने आप को असली इनेलो कह रहे हैं, तो इससे बिल्कुल पार्टी का एक नया झंडा और नया डंडा और पार्टी दो फाड़ होती हुई दिखाई देगी। जी, और जहां तक बात करें अगर पार्टी की, तो हो सकता है कि आज अभय सिंह चौटाला ग्रुप थोड़ा सा भारी रह सकता है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं उनमें से अधिकतम विधायकों का अनुमान है कि जैसे ही अभय सिंह चौटाला की चंडीगढ़ बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि अगर वो आज बैठक में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी जो विधानसभा की जो सदस्यता है ना वो खत्म हो जाएगी और करीबन चुनाव में एक महीना अभी एक साल का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक अपनी सदस्यता खत्म करवाना चाहेगा। हाँ, लेकिन कुछ एक विधायक ऐसे भी होंगे जो जींद रैली में भी अजय चौटाला के साथ दिखाई देंगे। जी, तो कहीं ना कहीं इनेलो के कुछ विधायकों की बात करी जाए, कुछ पदाधिकारियों की बात की जाए या बड़े चेहरों की बात की जाए, तो वो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और प्रत्यक्ष रूप से अजय चौटाला के साथ हो गए हैं। अभी कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे में खबर ये भी आ रही थी कि कुछ जो पार्टी के बड़े नाम है, जो विधायक है, उन्हें कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया है। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि इसका एक कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि अभय चौटाला ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो अजय चौटाला की रैली में जींद में होने वाली बैठक में जाना चाहता है वो पहले लिख कर दे दे कि उसे एनएलडी में विधानसभा में साथ ना बिठाया जाए। जी बिल्कुल, ये तो उन्होंने जब 4 दिन पहले चंडीगढ़ पत्रकार को वार्ता की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि वो जो आदमी उनके साथ बैठना नहीं चाहते विधानसभा में वो अपना लिख के दे दें और वो उसके बाद उसकी चिट्ठी जो है विधानसभा अध्यक्ष को दे दें कि इसको पार्टी की विचारधारा में विश्वास न होते उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो शायद ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक लिख के देगा। अमूमन उम्मीद यही की जा रही है कि अधिकतर विधायक आज अभय सिंह चौटाला के ही पाले में दिखाई देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा हमारे साथ बने रहने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि आज ये खबर पूरे दिन की सुर्खियां रहने वाली है, क्योंकि आज सबको इंतजार होगा। हरियाणा में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसकी तूती हमेशा से बोली जाती थी, आज वो दो फाड़ हो चुके हैं। देखना ये होगा कि कौन सा जो गुट है वो ज्यादा शक्ति प्रदर्शन आज कर पाता है, या फिर क्या किसी नई पार्टी का उदय इस राजनीतिक विवाद के बाद हो पाता है या नहीं।